Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel। दो तीन दिन की छुट्टी के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ और सहरी कर रहे थे और सहरी में बनी थी आलू की भुजिया। ओए होए होए, इतनी ये मुझे पसंद है ना, इतनी पसंद है कि मैं चम्मच के साथ खा जाती हूँ। इतनी मुझे पसंद है जब भी बनती है केचप के साथ। सो आप बताइएगा आपको पसंद है या नहीं। सो आजकल लस्सी मैं नहीं पी रही और बस ये थी मेरी सहरी। और आज हम अफ्तारी में बनाने वाले हैं स्मोकी बारबेक्यू पैटीज। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चिकन हमें चाहिए 1 कप, उसको आपने छोटा छोटा छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। और प्याज चाहिए हमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए, नमक चाहिए और साथ में हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर। और बारबेक्यू सॉस है तो वो ले लें आपके पास, और अगर नहीं है तो बारबेक्यू केचप ले सकते हैं आप। सिंपली एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये ज़्यादा डल गया तो अभी इसको थोड़ा करेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को आपने अच्छे से सौते कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा तो इसमें डाल देंगे चिकन, और चिकन को हम पका लेंगे जब तक ये कलर चेंज नहीं कर लेता अपना। और सुनाएं आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें जनाब इसके बाद इसमें जाएगी ग्रीन चिली, और इसको आपने, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें पसंद हैं तो डाल लें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में जाएगा लाल मिर्च पाउडर और नमक। अब इन सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। इसमें आप ऐसा करें कि अगर ये कुक नहीं हो रहा, मतलब हो तो जाएगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें 3 to 4 tablespoons, ताकि ये मज़ीद अच्छे से गल जाए। उसके बाद इसमें डालेंगे 4 tablespoons बारबेक्यू सॉस और उसके बाद दोबारा से इसको कुक कर लेंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत 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 अच्छी लगती है। इवन रमज़ान के अलावा भी कभी आपके घर गेस्ट आ रहे हों तो ये उनको बना के खिलाएगा, वाह वाह हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब आपने एक कोयला ले लेना है, उसको गर्म करके और आप इसको स्मोक दे दें। अगर तो आप स्मोकी बारबेक्यू सॉस डाल रहे हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर केचप डाल रहे हैं तो फिर डाल लें। यहाँ हमें चाहिए बंद गोभी और गाजर, इनको आपने छोटा छोटा चॉप कर लेना है, और अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज़ खाने में पसंद है तो वैसे कर लें, वरना इसको आप ग्रेट भी कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे मायोनीज और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी। ये आपका एक मिक्सचर रेडी हो गया है पैटीज़ के लिए। अच्छा जी, अब मैंने आपको पहले भी वो बारबेक्यू शीट्स किस तरह से वो हमने पैटीज़ बनानी है वो मैंने आपको बताई नहीं है। अब आप अगर दोबारा देखना चाह रहे हैं तो दोबारा देख लें। मैंने सिंपल उनको 1/3 पीसेस में डिवाइड किया, 2 पीस लिए, उसको प्लस वाली शेप में रखा, और अब पहले हम ये वाला जो हमने कैबेज का और कैरेट का मिक्सचर बनाया ये लगाएंगे, उसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला दें, और इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमारा चिकन है, बारबेक्यू चिकन। वो आपकी ईद रेसिपी में भी जा सकती है, इतनी मज़े की, इतनी मज़े की पैटीज हैं। अब सिंपली आपने उसको फोल्ड कर लेना है इधर उधर उधर इधर से, बस। इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी मैं जिस दिन ये बना रही थी, हद से ज़्यादा, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने ये शूट किया था। खैर, अच्छा, हमें चाहिए एग, आपने 2 अदद अंडे ले लेने हैं, उनको आपने अच्छे से फेंट लेना है, और साथ में हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स। तो पहले इसको अंडे में डिप करेंगे, फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे।
और इसके बाद फ्राई कर लेंगे। तो जी आ जाएं अब इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। बहुत कुछ मैं नहीं कर सकी, बस जितना किया है ठीक है, आई मीन प्रेजेंटेशन में, वरना मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा ज़्यादा कर लूँ। और उफ़ इतनी मज़े की ये पैटीज़ है ना, आपको गारंटी दे रही हूँ, आप एक दफ़ा बनाएं और अपना फीडबैक मुझे दें। दीज आर टोटली यम्मी। कैमरे में इसका कलर वो वाला कलर नहीं आता जो इसकी ओरिजिनल बारबेक्यू का कलर है, यहाँ पे तो ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है, बहुत मज़ेदार ब्राउनिश कलर आता है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम चले गए थे शॉपिंग करने। मैंने कहा आपको थोड़े से मैं क्लिप्स दिखा दूँ अपने सिटी के, और बस। और फिर हम चले गए थे दूध सोडा पीने के लिए, और ये हमारे बुरे वाला का सबसे अच्छा पॉइंट है दूध सोडे के लिए, तो ट्राई कीजिएगा अगर आप कभी आएँ। तो बस ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।